हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आज कोहरे ने सफ़ेद बर्फ की चादर ओढ़ रखी है। पूरी विजिबिलिटी रेट कम हो गई है, एक दूसरे को 100 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों मैं खड़ा हूँ अपने घर की छत पर, जहाँ से मैं अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ गिर रही है, लेकिन दोस्तों ये बर्फ नहीं है, ये एक खोरा जो पूरी तरह से एक धुंध का आकार ले रखा है। तो आप देख सकते हो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ अदृश्य हो गया है, गाँव का व्यू भी नहीं दिख रहा है। दूर कम दूरी के लोग भी दिखाई नहीं दे रहे हैं अच्छे से। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, क्योंकि आज का ब्लॉग मैं यहीं से ही बनाऊंगा और मैं आपको 360 व्यू दिखाऊंगा हमारे घर से, गांव का, क्योंकि आज कहीं जा नहीं सकते हैं, बाहर जाकर ब्लॉग शूट नहीं कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से ही शूट करूंगा, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैं खड़ा हूँ घर के टॉप व्यू पे, जहाँ से हमारे पूरे गाँव का व्यू आप देख सकते हो। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, इतनी भयंकर चादर ओढ़ रखी है कोहरे ने, देख सकते हो आप 360 एंगल से। ये हमारा गांव, ये मंदिर, और दूर दूर था कुछ भी नजर नहीं आएगा आपको। विजिबिलिटी रेट बिल्कुल कम हो चुकी है, टेम्परेचर लगभग 7 डिग्री के आसपास आ चुका है। तो मध्य प्रदेश का ये हाल है, तो पूरे देश का क्या होगा दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों, लोग बागों ने आग जला रखी है बाहर और हाथ सेक रहे हैं। ठंड तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कोहरा बहुत ज्यादा है, धूप बिल्कुल भी निकली नहीं है, सूर्य देवता का नजर नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हो 360 से मेरे गाँव का ऐसा लग रहा है जैसे कि कुल्लू मनाली में खड़े हैं, बट बर्फ का एहसास नहीं है, ये हो रहा है इस तरह से आसमान में हमें चाहिए। देख सकते हो हमारे गांव में दिख नहीं रहे हैं, आपको दिख रहा होगा तो बताना। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को साथ। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट्स करके बताना आपके यहाँ का टेम्परेचर और विजिबिलिटी रेट क्या है। तो बने